हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल सेल्फ मेड ट्यूटोरियल। आज हम लोग देखेंगे काइंड्स ऑफ पॉल्यूशन। पॉल्यूशन का जो लेक्चर सीरीज अपलोड हुआ था उसके सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज का टॉपिक है काइंड्स ऑफ पॉल्यूशन। आपने पिछले टॉपिक में पढ़ा था पॉल्यूटेंट्स, टाइप्स ऑफ पॉल्यूटेंट्स, तो आज पढ़ेंगे काइंड्स ऑफ पॉल्यूशन। तो चर्चा करेंगे कि यानी पॉल्यूशन के प्रकार, पॉल्यूशन के कितने प्रकार होते हैं। तो आप तो ऐसे नेचुरली जानते हैं, ऐसे सामान्य रूप से जानते हैं कि पॉल्यूशन कितने प्रकार होते हैं, लेकिन यहाँ हम एकदम से अच्छे से डिटेल में डिफाइन करके बताते हैं। जैसे कि पॉल्यूशन मुख्य रूप से तीन प्रकार के, बेस्ड ऑन पार्ट ऑफ इन्वायरमेंट अफेक्टेड, बेस्ड ऑन ओरिजिन ऑफ पॉल्यूशन एंड नेक्स्ट बेस्ड ऑन फिजिकल नेचर ऑफ पॉल्यूटेंट्स। ओके, चलिए देखते हैं। तो बेस्ड ऑन पार्ट ऑफ इन्वायरमेंट अफेक्टेड, यानी कि वातावरणीय प्रभाव, वातावरण से प्रभावित जो पॉल्यूशन होते हैं, तो वो पॉल्यूशन कौन कौन से हैं? एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, सॉयल पॉल्यूशन, यानी हवा प्रदूषण यानी वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण और मिट्टी प्रदूषण। ओके, अब हम नेक्स्ट देखते हैं बेस्ड ऑन ओरिजिन ऑफ पॉल्यूशन। प्रदूषण के उत्पत्ति के आधार पे प्रदूषण कितने प्रकार के होते हैं? तो एक होता है नेचुरल और एक एंथ्रोपोजेनिक। एंथ्रोपोजेनिक को ही मैन मेड पॉल्यूशन कहते हैं। ओके, तो चलिए देखते हैं एंथ्रोपोजेनिक यानी बेस्ड ऑन सेकेंड नंबर, बी नंबर आप देख सकते हैं। एक मिनट आप रुक जाएं। सेकेंड आपने देखा, ये तो फर्स्ट था, बेस्ड ऑन पार्ट ऑफ इन्वायरमेंट अफेक्टेड हो गया। तो ये एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन और सॉयल पोल्यूशन। बी नंबर में बेस्ड ऑन ओरिजिन ऑफ पोल्यूशन, पोल्यूशन की उत्पत्ति के आधार पे नेचुरल पोल्यूशन। ओके, तो नेचुरल पोल्यूशन और दो ही बेस्ड ऑन ओरिजिन ऑफ पोल्यूशन यानी पोल्यूशन की उत्पत्ति के आधार पर दो प्रकार के, एक नेचुरल एक एंथ्रोपोजेनिक। एंथ्रोपोजेनिक को मैन मेड पोल्यूशन भी कहते हैं, मैन मेड यानी मानव जनित प्रदूषण। ओके, तो नेचुरल पोल्यूशन में आ जाएगा वॉल्केनिक इरप्शन, फॉरेस्ट फायर, लीज ऑफ मीथेन बाय पेडीफिल्ड एंड एलिमेंट्री कनाल ऑफ कैटल। ओके, यानी कि वॉल्केनिक इरप्शन यानी आप ज्वालामुखी फटते हैं तो उसके अंदर से, पृथ्वी के अंदर से बहुत सारी ऐसे गैसेज, बहुत सारे ऐसे मिनरल्स बाहर निकलते हैं तो उससे भी प्रदूषण होता है। फॉरेस्ट फायर, जंगलों में आग लगती है, उससे भी प्रदूषण फैलता है। रिज ऑफ मेथेन, मेथेन जब बनता है वो भी प्रदूषण का कारक है। और मेथेन कैसे बनता है? मेथेन बाई पैडी फील्ड, उसके बाद से एलिमेंट्री कैनाल ऑफ कैटल। ओके, अब सेकंड नंबर आप देख सकते हैं, सेकंड नंबर है एंथ्रोपोजेनिक मैन मेड पॉल्यूशन। मैन मेड पॉल्यूशन को ही एंथ्रोपोजेनिक कहते हैं, यानी कि मानव जनित प्रदूषण। तो ये क्या है? इंडस्ट्रियल, एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रियल एग्रीकल्चरल पॉल्यूशन। ओके, इंडस्ट्रियल मतलब औद्योगिक, एग्रीकल्चर यानी कृषि पॉल्यूशन, कृषि से भी पॉल्यूशन फैलता है। ओके, अब हम देखते हैं, ये आपने देख लिया। आज के लेक्चर से मैं इतना ही कहूँगी, नेक्स्ट आप ज़रूर देखें ताकि उसमें मैं डिटेल्स बता सकूँ। मैं हमेशा यही कोशिश करूँगी कि वीडियो छोटा हो ताकि आपको इंटरेस्ट हो सुनने में और देखने में। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं बेस्ड ऑन फिजिकल नेचर ऑफ पॉल्यूशन। पॉल्यूटेंट्स, फिजिकल नेचर ऑफ पॉल्यूटेंट्स, प्रदूषक के भौतिकी आधार पर जो प्रदूषण होते हैं, तो देखिए कौन कौन से प्रदूषण, गैसेस पॉल्यूशन, थर्मल पॉल्यूशन, नॉइज पॉल्यूशन और रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन। ये है बेस्ड ऑन फिजिकल नेचर ऑफ पॉल्यूशन। इसको हम डिस्कस करेंगे कि गैसेस पॉल्यूशन क्या है, थर्मल पॉल्यूशन क्या है, नॉइज पॉल्यूशन क्या है एंड रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन क्या है। ओके, इसके लिए नेक्स्ट वीडियो देखना ना भूले। मैं हो सके
तो बहुत जल्द वीडियो अपलोड करूँगी, नेक्स्ट वीडियो भी, जिसमें आप लोग पढ़ेंगे एयर पोल्यूशन, यानी कि ये फर्स्ट जो आप देख रहे हैं यहाँ पे बेस्ड ऑन पार्ट ऑफ एनवायरनमेंट अफेक्टेड पोल्यूशन, तो उसमें से सबसे पहले क्या है एयर पोल्यूशन। तो हम लोग एयर पोल्यूशन पढ़ेंगे, टाइप ऑफ एयर पोल्यूशन पढ़ेंगे, ओके। तो बस आप देखते रहें, इन्जॉय करते रहें। आप हमें ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, दोस्तों को भी शेयर करें, चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और इस तरह से चैनल का साथ निभाते रहे और बने रहे। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद है।